पर्यटन नगरी खजुराहो में भारत सरकार और राज्य सरकार की भारत दर्शन द्वारा योजना के तहत संयुक्त रूप से बनाए गए छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का भव्य शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर, खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इसे 50 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिसकी क्षमता 1200 सीट की है। इसे कई भागों में छोटा और बड़ा भी किया जा सकता है। इस अवसर पर खजुराहो में एक टूर ऑपरेटर स्टेक होल्डर मीट का आयोजन भी रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो का संपूर्ण विकास कराया जाएगा। खजुराहो को आइकॉनिक सिटी में शामिल कर लिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमने खजुराहो नृत्य महोत्सव को मंदिर के अंदर परिसर में कराया है, अब यहाँ के पर्यटन को तेजी से बढ़ाया जाएगा। यह वर्ष शून्य वर्ष था, कोरोना के चलते पर्यटन का बुरा हाल हो गया था, इसे 4 वर्षों में यथावत करेंगे। कार्यक्रम में टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार, महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, स्थानीय विधायक विक्रम सिंह, विधायक राजेश प्रजापति, प्रद्युम्न सिंह लोधी सहित अनेक गणमान्य नागरिक, भारत सरकार के पर्यटन सचिव, मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, चंद्रपुर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित अनेकों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।